नमस्कार तमाम भट्टू दर्पण न्यूज़ चैनल दर्शकों को। अगर आप भट्टू दर्पण न्यूज़ चैनल के समाचारों के साथ अपडेट रहना चाहते हैं तो लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें व शेयर करें। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें 94-666-91-540। आज के मुख्य समाचार। गांव किरनाण में आपसी झगड़े में घर के बाहर खड़ी सवारी गाड़ी को तोड़ने व एक महिला को पीटने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला संतोष ने भट्टूगढ़ा थाने में शिकायत में आरोप लगाया है कि बीती 5 जून रात्रि को उसके घर के बाहर खड़ी उसकी सवारी गाड़ी को ईंट पत्थरों से किरनाण निवासी दौड़ू उसका भाई व माँ ने ईंट पत्थर से उसके घर पर हमला कर गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, वहीं उसको भी चोट मारकर घायल कर दिया, जिसकी उसने उसी रात को पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच की। संतोष ने बताया कि उसने अगले ही दिन सुबह उसकी शिकायत लिखित में भट्टू थाना में दी, लेकिन बार बार पुलिस थाना के चक्कर लगाने के बाद भी पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। राजकीय महाविद्यालय भट्टू कला में पूर्व छात्र मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुभाष शाग ने विद्यार्थियों को नैतिक गुण धारण करना की जानकारी देते हुए कहा कि विद्यार्थियों को नैतिक गुणों को धारण करना आवश्यक है, साथ में युवाओं को नशे की लत और मोबाइल का दुरुपयोग से बचने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर प्राध्यापक राजेंद्र शेवदा ने आए हुए पूर्व विद्यार्थियों को महाविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत किया और स्टाफ का परिचय दिया। डॉक्टर राजाराम ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए बताया कि वर्तमान युग विज्ञान और तकनीकी का युग है। प्राध्यापक रविंद्र ने आए हुए मेहमानों का धन्यवाद किया और उन्होंने विद्यार्थियों को कॉलेज में वर्तमान छात्रों की जानकारी भी दी। प्राध्यापक दिल सुख ने सफल मंच संचालन किया। इस मीटिंग में आए हुए पूर्व विद्यार्थी व कॉलेज प्रशासन के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। विद्यार्थियों की ओर से महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षा को प्रारंभ करने की मांग उठाई गई। इस अवसर पर महाविद्यालय स्टाफ में विक्रांत मोहन, NSS महिला इकाई प्रभारी राजेश कुमार, पुरुष इकाई प्रभारी दर्शन सिंह, सीताराम, विजय कुमार, अमित, ज्योति झाजड़ा, दिलसुख, अनिल, हरीश, कीर्ति, अनिल कुमार, मदनलाल, पूर्व छात्र पवन कुमार, जयवीर, चंद्र माचरा, अन्नू, कविता सहित अनेक लोग मौजूद रहे।